साथ में हूं लक्ष्मी उपाध्याय। रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे के नारे देने वाली बीजेपी केंद्र में 4.5 साल और यूपी में 1.5 साल की सत्ता में रहने के बावजूद भी मंदिर की तारीख तय नहीं कर पाई। लेकिन 2019 के आम चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी के पूर्व सांसद तथा राम जन्मभूमि न्यास कार्यकारिणी के अध्यक्ष डॉक्टर रामविलास दास वेदांती ने मंदिर निर्माण की तारीख का ऐलान कर दिया। हालांकि मामला देश की सर्वोच्च अदालत में है, लेकिन इस बीच 6 दिसंबर से पहले मंदिर निर्माण का दावा और मंदिर निर्माण में सियासी भागीदारी पर बीजेपी को ही संजीदा बताने वाले वेदांती ने बहराइच में योगी आदित्यनाथ सरकार में स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री अनुपमा जायसवाल के आवास पर यह बयान दिया। वेदांती ने साफ कहा कि 6 दिसंबर से पहले अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण शुरू हो जाएगा और साथ ही मस्जिद के लिए मुस्लिम समुदाय को अयोध्या के बाहर जमीन मुहैया कराने का वेदांती ने फरमान भी सुना दिया। जहां बीजेपी कोर्ट से फैसले का हल होने का इंतजार कर रही है, तो वेदांती कह रहे हैं कि कोर्ट समस्या का सही समाधान कर ही नहीं सकता, कोर्ट से कोई उम्मीद नहीं है। साथ ही यह भी कहा कि सपा बसपा और कांग्रेस मंदिर के लिए कुछ नहीं करेंगे। दूसरी ओर राम मंदिर के सहारे हिंदुत्व की पिच पर दोबारा पैर जमाने के लिए शिवसेना भी अयोध्या की ओर कूच करने जा रही है। पार्टी ने ऐलान कर दिया है कि इसी साल नवंबर में शिवसेना के अध्यक्ष उद्धव ठाकरे 1 लाख लोगों के साथ यानी 1 लाख कार्यकर्ताओं के साथ अयोध्या पहुंच रहे हैं। साफ तौर पर हिंदुओं से वादा खिलाफी का आरोप बीजेपी पर लगाते हुए शिवसेना सांसद संजय राउत ने कहा कि आखिर अभी तक रामलला तंबू में क्यों बैठे हैं। अध्यादेश के जरिए मंदिर का रास्ता साफ करने की मांग की है शिवसेना ने भारतीय जनता पार्टी से। एक ओर चुनावी मौसम और दूसरी ओर 15 दिन बाद इस पूरे मामले की सुनवाई होनी है, लेकिन उससे पहले जो गहमा गहमी देखने को मिल रही है राम मंदिर के मुद्दे पर, वो बड़े सवाल खड़े करती है। सवाल यह है कि आखिर राम मंदिर विवाद के हल पर कोर्ट से पहले तारीख का ऐलान कैसे हो गया? तय हुई तारीख पर शुरू होगा अगर मंदिर का निर्माण, तो कैसे प्लान होगा उसका? कोर्ट के फैसले से तर अगर मंदिर बनता है तो उसका प्लान क्या तैयार हुआ? चुनाव से पहले ही क्यों एक्शन में आए हैं वेदांती, शिवसेना या बाकी लोग हों? राम मंदिर निर्माण पर विरोधियों के हमले से घायल बीजेपी के लिए क्या ढाल बन रहे हैं वेदांती? और बड़ा सवाल कि क्या अयोध्या के मैदान से ही लड़ा जाएगा 2019 का आम चुनाव? आज अखाड़ा ऐसे तमाम बड़े सवालों पर होगा खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ, लेकिन उससे पहले वेदांती का बयान सुनिए और शिवसेना की ओर से क्या बयान आया है वो भी सुनिए। कोर्ट से आज तक कोई काम हुआ ही नहीं, इसलिए बिना कोर्ट के हम लोग आपसी समझौते के आधार पर सांप्रदायिक सद्भावना के लिए, राष्ट्रीय सद्भावना के लिए हिंदू मुस्लिम दोनों मिलकर एक साथ अयोध्या में जहाँ रामलला विराजमान वहाँ भव्य रामलला के मंदिर का निर्माण 6 दिसंबर से पहले मंदिर निर्माण प्रारंभ हो जाएगा। अभी के शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे साहब अयोध्या आएंगे, उनका प्रोग्राम लगभग बन चुका है। मुंबई में जो दसरा रैली है उसमें उद्धव ठाकरे साहब घोषणा करेंगे तारीख कब उनका आना है यहाँ, और हम सब लोग यहाँ आए हैं उसके पूर्व तैयारी के लिए। हम चाहते हैं 2019 से पहले राम मंदिर का निर्माण कार्य शुरू हो, और सरकार को हम बताना चाहते हैं 2019 के बाद अगर राम को आप वनवास में ही रखेंगे तो जनता आपको वनवास में रखेगी। वेदांती जी तारीख तय कर चुके हैं, शिवसेना कह रही है कि आखिर तंबू में क्यों है भगवान राम, अध्यादेश लाकर सरकार क्यों नहीं मार्ग प्रशस्त करती? तमाम खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ हैं। हीरो वाजपेयी जी प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी से, शहजाद अब्बास नेता हैं समाजवादी पार्टी से, अमरनाथ मिश्रा अध्यक्ष अयोध्या सद्भावना समिति के हमारे साथ शामिल हुए हैं, मौलाना इश्तियाक कादरी मुस्लिम स्कॉलर हमारे साथ हैं, अशोक सिन्हा जी संघ विचारक हैं, मानस श्रीवास्तव जी एसोसिएट एडिटर हमें ज्वाइन कर चुके हैं। बहुत स्वागत आप सभी का इस डिबेट में शामिल होने के लिए। हीरो वाजपेयी जी, वेदांती जी ने तारीख तय कर दी है 6 दिसंबर से पहले मंदिर निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा। हालांकि बीजेपी ये नारा लगाया करती थी कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, 4.5 साल केंद्र में, 1.5 साल उत्तर प्रदेश में, आपने तारीख का ऐलान नहीं किया, लेकिन वेदांती किस मायने में इस तारीख का ऐलान कर रहे हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का उच्चतम न्यायालय में पूर्ण विश्वास है और कानून अपना काम करेगा, और कानून के अनुसार जो निर्णय आएगा भारतीय जनता पार्टी उसके अनुसार कार्य करेगी। भारतीय जनता पार्टी का स्पष्ट ये कहना है कि उसे देश के संविधान में, देश के कानून में उसका विश्वास है, और जो कानून के द्वारा निर्णय आएगा वो हमें मान्य होगा। आपको ही संजीदा बता रहे हैं राम मंदिर के लिए, और आपकी ही सरकार की मंत्री की आवाज से ये बयान दिया जा रहा है, इसके मायने क्या निकाले जाए?
कह रहे कि कोर्ट कुछ नहीं करेगा, कोर्ट से उम्मीद नहीं है, कोर्ट से आशा खत्म हो चुकी है। देखिए 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 साधु संतों की क्या, इस पूरे देश के 125 करोड़ लोगों की इच्छा है कि राम मंदिर जल्द से जल्द बने, एक भव्य राम मंदिर का निर्माण अयोध्या में हो, तो ये सबके मन के अंदर की कल्पना है। पर हर चीज के पीछे देश में एक कानून का राज है। ये मामला उच्चतम न्यायालय में पेंडिंग है और उच्चतम न्यायालय में जब पेंडिंग है तो जो निर्णय आएगा वो इस देश के लोगों को स्वीकार होगा, भारतीय जनता पार्टी को स्वीकार होगा। यदि व्यक्तिगत तौर से कोई पूछे तो हर भारतीय का मन है कि अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण जल्द से जल्द हो। ये प्रतिक्रियाएं उसी संदर्भ में आती है। ठीक है, शहजाद अब्बास, वेदांति कह रहे हैं कि आप कुछ नहीं कर सकते राम मंदिर के लिए, कोई कदम नहीं उठाएंगे, बीजेपी तो उठा ही नहीं रही, वादा किया था, लेकिन आप पर ये हमेशा राम मंदिर का जब जिक्र होता है तो सवालिया निशान क्यों लगता है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी 22 सालों से इस मुद्दे को जो है वो भुना रही है, उसको इलेक्शन में गर्म करती है और उसके बाद फिर जब वो इलेक्शन निकल जाता है, चुनाव निकल जाता है देश का या राज्यों का, तो वो उस मुद्दे को, श्री रामचंद्र जी को भी भूल जाती है और वो जो उसके एजेंडे में है उसको भूल जाती है। बस उसका एजेंडा सिर्फ श्री रामचंद्र जी के लिए ये है कि चुनाव आए तो उस एजेंडे को भुनाओ और उसके बाद फिर देश के अंदर दंगा फैलाओ, देश के अंदर वेमनस फैलाओ और उसके बाद अपना जो फायदा है जो वो बयान दे रहे हैं उसके पीछे भारतीय जनता पार्टी है। बिल्कुल है, बिल्कुल है। कहीं ना कहीं मैं साधु संतों का बहुत सम्मान करता हूं, उनको भी कानून के ऊपर विश्वास रखना चाहिए और देश जो है वो कानून और संविधान से चलेगा, उससे बढ़ के ऊपर कोई है ही नहीं। कोर्ट में जब मामला है तो कोर्ट पे उनको विश्वास रखना चाहिए और भारतीय जनता पार्टी कठपुतली जो है वो नहीं बनना चाहिए उनको। मैं यही कहना चाहूंगा। माने जी, क्या लगता है आपको, विरोधी जो लगातार हमला कर रहे हैं बीजेपी पर, उसके लिए एक ढाल बनकर खड़े हो रहे हैं वेदांती ऐसे बयानों के साथ? देखिए, ये सब स्लीपिंग मॉड्यूल्स हैं भारतीय जनता पार्टी के। जैसे ही चुनाव आता है सब एक्टिवेट हो जाते हैं अलग अलग हिस्सों से। और आप इसको समझिए इस तरीके से कि अचानक से इस देश में राम मंदिर को लेकर के एक अजीब सा माहौल बनना शुरू हो गया है। धरातल में कहीं कुछ होता नजर नहीं आ रहा, क्योंकि मामला कोर्ट में पेंडिंग है। बीजेपी के जो बड़े नेता हैं वो कई बार ये कह चुके हैं कि नहीं, हम कोर्ट के फैसले का इंतजार करेंगे, लेकिन उन्हीं की ही सरकार में ऐसे तमाम मंत्री हैं जो हर रोज़ बयान देते हैं। साधु संतों की तरफ से हर रोज़ बयान आते हैं, कहीं अनशन शुरू हो जा रहा है, कहीं शिवसेना उधर से चीखने लगती है, कहीं साधु संत बयान देने लगते हैं, कहीं पार्टी के जो मंत्री हैं या नेता हैं वो बयान देने लगते हैं। तो है क्या कि किसी भी तरीके से इस मुद्दे को जिंदा रखना है, क्योंकि बताने के लिए बीजेपी के पास इस समय बहुत कुछ है नहीं कि हम क्या बताएंगे, क्योंकि जो योजनाएँ हैं वो ठीक है, कुछ अच्छी योजनाएँ भी हैं जो चल रही हैं, लेकिन इस देश में जो फाइनेंस मिनिस्ट्री है क्या पेट्रोलियम मिनिस्ट्री की जो परफॉर्मेंस है वो सीधे सीधे आम आदमी की जो जेब है उसको काट रही है, उस पर अटैक कर रही है। तो जनता में एक अजीब तरह की बौखलाहट, एक अजीब तरह की बिलबिलाहट है, तो अब उसको कैसे शांत किया जाए। दूसरी बात, एक जो बहुत सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उत्तर प्रदेश में जो 3 प्रयोग हुए उपचुनाव में, उसमें जिस तरीके से हिंदू मतों का बिखराव हुआ और जो भारतीय जनता पार्टी के लिए सबसे ज़्यादा चिंताजनक भी और सबसे ज़्यादा जो परेशान है बीजेपी, वो उसी को लेकर के है। तो राम मंदिर का मुद्दा कैसा है जिसमें सारे हिंदू एक साथ आ जाते हैं, सबका एक मत हो जाता है, चाहे वो किसी भी जाति का हो, सब चाहते हैं कि राम मंदिर अयोध्या में बन जाए। तो ये भावनाएं उभारने की कोशिश है। मुझे याद है कि 1991 में जब कल्याण सिंह की सरकार बनी थी पहली बार उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की, तो न केवल कल्याण सिंह बल्कि पूरा मंत्रिमंडल, अशोक सिन्हा जी को शायद याद होगा अगर मैं गलत नहीं कह रहा हूँ, तो पूरा मंत्रिमंडल अयोध्या में रामलला के दर्शन करने गया था। और वो सरकार ऐसी थी जो खुले तौर पर कहती थी कि हम राम भक्त हैं, हम राम का मंदिर बनाएंगे, कहीं भी उसमें सियासी बात कल्याण सिंह नहीं किया करते थे। अनेक मंचों से मैंने कम से कम सैकड़ों बार, मुझे तो याद भी नहीं होगा कितनी बार मैंने कल्याण सिंह को सुना होगा, कभी भी वो बैकफुट पे नहीं आए राम मंदिर को लेकर के। लेकिन क्या आज की भारतीय जनता पार्टी से आप कल्पना कर सकते हैं कि हीरो वाजपेयी भी ये कहने की स्थिति में नहीं है कि नहीं मैं हम राम मंदिर बनाएंगे, हमारी आस्था का विषय, हम कुछ भी हो जाए, हम सौगंध राम भी खाते हैं, मंदिर भी बनाएंगे, अब कहने की स्थिति में नहीं है हीरो वाजपेयी जी। हीरो वाजपेयी जी अब कह पाएंगे, वही नारे को दोहरा पाएंगे कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वही बनाएंगे, अब तो तारीख भी नहीं बता पा रहे आप। देखिए, अब तो देश के 125 करोड़ लोग वहां जाकर मंदिर बनाने के लिए तैयार हैं। निर्णय की प्रतीक्षा कीजिए लक्ष्मी जी, सब बनाएंगे नहीं बनाएंगे। अब देश में माहौल मंदिर के प्रति है। अब तक तो जो पार्टी के लोग मंदिर दर्शन करने नहीं जानते थे, हिंदू माहौल तो सर चुनाव नजदीक आते आते बनता है और चुनाव जीतने के बाद फिर आगे बढ़ जाता है। ठीक है, अशोक सिन्हा जी,
एक कोर्ट के फैसले से पहले जो लगातार तारीखें तय हो रही हैं, अब मंदिर का रास्ता प्रशस्त हो चुका है। ठीक है हीरो वाजपेयी जी, आऊंगी आपके पास। अशोक सिन्हा जी, जी कोर्ट के फैसले से जो पहले लगातार तारीखें तय हो रही हैं, क्या आपको लगता है कि कोर्ट के फैसले से पहले भी मंदिर का निर्माण शुरू हो सकता है, और अगर ऐसा हुआ तो उसका क्या रास्ता हो सकता है, क्या प्लान हो सकता है, आप किस नजरिए से देख रहे हैं इन बयानों को? कोर्ट में प्रकरण यह है कि रामलला जहां विराजमान है वो भूमि किसकी है, यानी भूमि संबंधी विवाद कोर्ट में है। ठीक। और मंदिर का मसला भक्तों के पास है, ये मंदिर कौन बनाए, मंदिर तो बना हुआ है, भव्य मंदिर कौन बनाएगा, ये कोर्ट में मसला नहीं है। कोर्ट मसला है वो जमीन किसकी, जमीन किसकी, ठीक बात है। संघ जो है इसका स्पष्ट मत है, और मैं तीन लाइनें संघ की रोज की जाने वाली प्रार्थना में बताता हूं। विधायास्य धर्मस्य संरक्षणम और परम वैभवम ने तुम्हें तस्वराष्ट्रम समर्था भवत्व शिशाते वृषम, ये तीन पंक्तियां अंत में हम लोग कहते हैं कि हम संविधान की रक्षा करते हुए, धर्म की रक्षा करते हुए, और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि हमें इतना समर्थ बनाओ भगवान कि हम परम वैभव पर ले इस राष्ट्र को ले जाएं। संघ वही चाहता है कि मंदिर बने, शीघ्र बने और रामलला के स्थान पर ही बने। एक सेकंड, अशोक सिन्हा जी बीजेपी को सक्षम बनाया, केंद्र में भी सत्ता दी, राज्य में भी सत्ता दी, बावजूद इसके अगर ऐसा नहीं हुआ तो गलती किसकी है? हमारा स्पष्ट मत है जो भी भक्त, जो भी संस्था, जो भी राजनीतिक दल और राम जन्मभूमि न्यास या विश्व हिंदू परिषद या तोगड़िया जो भी आगे आएंगे और राम मंदिर बनाने की ओर बढ़ेंगे और विधायास्य धर्म से संरक्षण, जो विधायी व्यवस्थाएं हैं और जो धर्म की रक्षा है, इस पर जो आगे बढ़ेगा संघ उसके साथ। ठीक। अमरनाथ मिश्रा जी, आप किसके साथ हैं, सरकार के बयान के साथ कि कोर्ट के फैसले का इंतजार, या उन संतों के साथ जो कह रहे हैं कि 6 दिसंबर से पहले साफ तौर पर निर्माण कार्य शुरू कर दिया जाएगा मंदिर का, तारीख का भी ऐलान हो गया? देखिए लक्ष्मी जी, जब तक सुप्रीम कोर्ट 2 एकड़ के स्वामित्व के विवाद का हल नहीं निकालेगी, पहले तो विवाद का हल हो कि इसका मालिक कौन, उसके बाद अयोध्या में 100 एकड़ जमीन पे भूमि पूजन शिला पूजन पे सुप्रीम कोर्ट में रोक लगाई हुई है, 4 स्टे सुप्रीम कोर्ट ने दी, जब तक वो वैकेट नहीं होंगे तब तक सरकार या कोई कुछ कर नहीं पाएगा। और आपके चैनल के माध्यम से हम कई बार कह चुके हैं कि सारे हिंदू पक्षकारों को इकट्ठा होकर के आपस में मिल करके बैठ करके बात करनी पड़ेगी, फिर सुप्रीम कोर्ट से जो फैसला आए उसका स्वागत करते हुए कौन सी संस्था मंदिर बनाएगी इसका भी निर्णय होगा, और फिर जब ये सुप्रीम कोर्ट में स्टे है भूमि पूजन और शिला पूजन पे, जब स्टे वैकेट हो जाएगा तो 1993 में एक अयोध्या एक्ट आया है, अयोध्या का ऑर्डिनेंस, ये सुप्रीम कोर्ट ही तय करेगा कि संस्था कौन सी होगी जो वहां पे मंदिर बनाने के लिए आगे आएगी। ठीक है, तो अभी इसमें बहुत सी पेचीदगियां हैं, जब इतनी प्रक्रिया होना बाकी है, बावजूद इसके वेदांति जैसे लोग अगर तारीखों का ऐलान कर रहे हैं तो इसके मायने क्या है, इसकी वजह क्या है, इसके पीछे कौन है? देखिए इसके पीछे तो कोई नहीं, हमें लगता है वेदांति जी एक संत हैं और बहुत सालों से इस आंदोलन से जुड़े हैं, विश्व हिंदू परिषद में भी हैं। हाँ। नहीं नहीं, हम खुल के ही बोल रहे हैं, ये उनका निजी बयान है और ये हो सकती है उनकी भावना हो कि हम मंदिर का निर्माण जल्दी से जल्दी शुरू हो इसलिए वो 2 दिसंबर तारीख दे रहे हैं, मगर ये हमें लगता नहीं है कि 2 दिसंबर या आने वाले 2-3-4 महीने में कुछ जल्दी से हो पाएगा, क्योंकि जब तक जो आज सरकार है केंद्र में, जब तक सरकार का गृह मंत्रालय का या कानून मंत्रालय का सुप्रीम कोर्ट के आदेश आने के बाद बयान नहीं आता है, तब तक इस तरीके के बयानों का हम तो ये समझते कोई लेना देना नहीं है, ये सिर्फ मीडिया के लिए चर्चा का विषय और डिबेट का विषय हो सकता है। इश्तियाक कादरी, आप मुझे बताइए कि जिस तरीके से वेदांति ने फरमान भी दे दिया है कि मुसलमानों को हम अयोध्या से बाहर जगह देंगे जहां पर उनकी मस्जिद बनेगी और 6 दिसंबर से पहले निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा, सहयोग करेंगे निर्माण कार्य में? बात यहाँ लक्ष्मी जी सहयोग की है ही नहीं। देखिए 2019 का चुनाव आ गया, मुझे न्यास साहब का शेर याद आता है कि मंदिरों मस्जिद नहीं सब कुर्सियों की जंग है, लीडरों की आस्था ना राम ना रहमान से, ये 5 साल कहाँ सोते रहे, जितने मुद्दे थे देश के विकास के वो सारे मुद्दे बोतल में बंद कर दिए गए और फिर बोतल से जिन बना करके इस मुद्दे को बाहर निकाल दिया गया। देश हिंदू मुसलमान सब पूजा भी कर रहे हैं, नमाज भी पढ़ रहे हैं, अरे भाई ऑर्डिनेंस ला करके आप बना देते। अभी आप कह रहे थे हमारे सिन्हा साहब
कह रहे थे कि वहाँ पर ज़मीन का मामला है, मंदिर तो बनी हुई है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ज़मीन का मामला है तो जब तक ज़मीन के मामले की क्लियरिटी नहीं हो जाती है कि मंदिर कैसे बनाएंगे वहाँ पर आप, क्या वेदांति जी अदालत से ऊपर हैं? नहीं, हमने तो स्पष्ट किया कि संविधान को ध्यान में रखते, संविधान का आदर करते हुए जो भी वहां मंदिर बनाने का कार्य करेगा, राम विलास संविधान से अलग कोई राम विलास वेदांती जी को आप क्यों नहीं समझाते कि जब ये सर्वोच्च न्यायालय आप ही समझाइए ना, हमें क्यों समझाए आप ही, मैं कहता हूं आप ही समझाए ना, हमारा तो पूरा पूर्ण विश्वास है अदालत पर, जो फैसला आएगा मान्य होगा, थोड़ा इंतजार करें, सब्र करें, लेकिन 2019 से पहले ये वादा करते हैं आप वहां का जो न्यायालय बड़े ब्रेंच में नहीं जाएंगे, जनता के तमाम आशाओं पर पानी फेरने के बाद क्या इस मुद्दे को ला करके उन्हें फिर से आप गफलत में डालना चाहते हैं? हमें आप जवाब दे, अगर सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आपके पक्ष में नहीं होता तो आप ये वादा कर रहे हैं समाज के सामने कि हम उसे मान लेंगे और हम लार्जर बेंच में नहीं जो भी आदेश देगा मान जाएगा, सुप्रीम कोर्ट जो भी आदेश देगा हमें मान है, आप मानिए पहले, ठीक है? नहीं, हम तो सदैव संविधान की रक्षा के लिए तत्पर है, हम तो तत्पर है, रोज रोज बताइए वो कैसे संत है वेदांती जी कि संत हो करके और देश के कानून को तोड़ रहे हैं और हुकूमत चेहरा देकर कार्रवाई नहीं कर रही है। फिर वाजपेयी जी क्या कह रहे हैं, सोचिए, उन्होंने कोई गलत बात भी नहीं कही है, उन्होंने न्यायालय पर सिविल सूट होना, आप किसी भी सिविल सूट को उठा के देख लीजिए, अरे पीढ़ी दर पीढ़ी चार चार पीढ़ी केस चलते रहते हैं, वेदांती भी यही कह रहे हैं, तो क्या उसके लिए बैठे रहे हैं? लाखों साल हो जाते हैं, कोई जरासी अपनी आपत्ति जताता है, तारीख आगे बढ़ जाती है, हमें उम्मीद नहीं है कि कोई भी कोर्ट से हमारे इस मामले में कोई फैसला होगा, हम कोर्ट से इतर राम मंदिर बनाने जा रहे हैं। मानस जी, क्या आपको लगता है कि कोई सद्भावना के जरिए या कोई भी सर्वसम्मति का कोई मार्ग ऐसा बन सकता है दिसंबर तक के मंदिर निर्माण का कार्य शुरू हो सकता है? नहीं, सर्वसम्मति का मार्ग तो बिल्कुल बनने की कोई संभावना नहीं है। जब अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार में नहीं बन पाया तो अब क्या बन पाएगा, बीच में सारे प्रयास करके देख लिए। देखिए, इसमें एक ये भी समझिए कि ये अयोध्या का मसला दो अलग अलग धुरी पे संघर्ष कर रहा है। पहली धुरी ये है कि राम भक्त चाहते हैं कि अयोध्या में राम मंदिर बन जाए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी कुछ करना नहीं चाहती, वो सिर्फ उसका पॉलिटिकल माइलेज लेना चाहती है। पहला मसला ये हो गया कि एक राजनीति का अखाड़ा बन गया। एक दूसरा केंद्र बिंदु अभी हाल फिलहाल पैदा हुआ कि राम मंदिर बने तो उसका श्रेय किसको मिले, क्या बीजेपी श्रेय हड़प ले, या तोगड़िया जी उसका श्रेय ले ले, या राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ ले ले, या फिर शिवसेना ले ले, या फिर जो अभी जो तोगड़िया जी ने अपना संगठन बनाया उसके लिए कह रहे थे, विश्व हिंदू परिषद भी उसमें एक पक्षकार है। अब आप समझिए, विश्व हिंदू परिषद पे क्या आरोप लगाया था अभी कुछ समय पहले निर्मोही अखाड़े ने, कहा कि करोड़ों करोड़ रुपए आए थे राम मंदिर के नाम पे, उसका कोई हिसाब किताब नहीं, सब पैसा खा गए, खुले तौर पर ये आरोप लगाया गया। तो आप समझिए कि राम मंदिर का निर्माण हो, ये एक आम जनता आम व्यक्ति की एक आस्था एक उसकी इच्छा हो सकती है, लेकिन सियासी लोगों ने और संगठनों ने इसका भरपूर फायदा उठाया है। जनभावना के रथ पर ही तो सवार होकर के लाल कृष्ण अडवाणी निकले, वरना दो सांसदों की पार्टी इस देश में कैसे तबड़ा आंदोलन खड़ा कर सकती थी। देखिए, इस देश में मैं बार बार कहता हूँ, इस देश में आजादी के बाद जो दो बड़े जन आंदोलन हुए, देखिए पार्टियों के आंदोलन और जन आंदोलन में फर्क है। जन आंदोलन का मतलब होता है जिसमें जनता का साथ हो, तो इमरजेंसी के बाद जो दूसरा जन आंदोलन हुआ वो राम मंदिर के लिए हुआ। आडवाणी उसके चेहरा हो सकते थे, अशोक सिंगल उस जमाने में उसके एक फेस हो सकते थे, अटल बिहारी वाजपेयी एक चेहरा हो सकते थे, लेकिन समर्थन जनता का था। जो लोग वहां मारे गए कोठारी बंधु के नाम पर, आज पार्क बना हुआ, कितने लोग वहां पर फूल माला चढ़ाने जाते हैं मुझे बता दे कोई, अशोक सिन्हा जी मुझे बता दे कि बताइए, कोठारी बंधु जो मारे गए कार सेवा के दौरान, आप बताइए कितने लोग जाते हैं आज वहां पर उनकी मूर्ति पर माला चढ़ाने के लिए। यही अपने लखनऊ में राजाजीपुरम में बना हुआ है पार्क उनके नाम पर। तो आप देखिए कि भारतीय जनता पार्टी ने किस तरीके से इस मुद्दे का फायदा उठाया और कैसे अपनी दो की संख्या को पूर्ण बहुमत का आकार दिया। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के जो रणनीतिकार थे उसमें पूरी तरीके से शामिल थे, लेकिन आज क्या भारतीय जनता पार्टी को फिक्र है? अब तो सर आरएसएस मोहन भागवत भी साफ तौर पर ये कह चुके हैं कि कोई भी रास्ता निकले, यानी सरकार को भी ये कहीं ना कहीं एक मैसेज था, कोई भी रास्ता निकले कैसे भी निकले, लेकिन मैं तो लक्ष्मी, मैं लक्ष्मी एक सवाल मैं हीरो वाजपेयी जी से पूछना चाहता हूँ कि हीरो वाजपेयी जी आप मुझे बता दीजिए कि 1991 में जब कल्याण सिंह की सरकार थी, मंत्री मुख्यमंत्री बनने के बाद पूरा मंत्रिमंडल शपथ लेने गया, नरेंद्र मोदी जो हिंदू हृदय सम्राट कहे जाते हैं आज तक अयोध्या में राम मंदिर रामलला के दर्शन करने क्यों नहीं गए, कोई एक जवाब दे दे कोई हीरो वाजपेयी जी। कई बार ये सवाल उठ चुका है, कई बार लोग कह चुके हैं। नहीं मानस जी, इसको राम मंदिर के निर्माण से जोड़ना एकदम गलत है। नहीं, एक भक्त होने के नाते भी जा सकते थे ना, दर्शन करने नहीं गए इसलिए राम मंदिर के निर्माण में देरी हो रही है।
बिल्कुल गलत है ये साहब कि नरेंद्र मोदी जी अगर रामलला के दर्शन करने नहीं गए तो राम मंदिर के निर्माण में परहेज क्यों है? सुप्रीम कोर्ट में जब मसला है और भारतीय जनता पार्टी संविधान और कानून को मान रही है तो उसमें ये मसला उठाना कि नरेंद्र मोदी जी राम मंदिर के दर्शन करने नहीं गए इसलिए राम मंदिर का निर्माण प्रशस्त नहीं हो पा रहा एकदम गलत बात आस्था की हीरो वाजपेयी जी अगर मगहर तक जा सकते हैं अगर पूरी दुनिया में घूम घूम करके मंदिरों में और मस्जिदों में जा सकते हैं तो आखिर अयोध्या में रामलला के दर्शन से क्या ऐतराज है नरेंद्र मोदी जी को? वाजपेयी जी जवाब दीजिए। नहीं कोई ऐतराज नहीं माने सी अच्छा है आपके चैनल के माध्यम से मोदी जी तक बात पहुंच रही है और क्या पता आपका चैनल ही पहला चैनल हो जो ये बात पहुंचाए और मोदी जी अयोध्या आ जाए। 2019 से पहले जाएंगे इसका मतलब संकेत आप दे रहे हैं कि 2019 से पहले सर एक बार अयोध्या जरूर जाएंगे नरेंद्र मोदी और लगता है कि 2019 का जो चुनाव है इलेक्शन वो अयोध्या के मैदान से ही शुरुआत उसकी हो और सकती एक है। बात और मैं बता दूं आपको हीरो वाजपेयी जी ये मैं नहीं कह रहा हूं बीबीसी ने एक सर्वे करवाया था उसमें कई लोगों के अयोध्या आने वाले लोगों से इनपुट्स लिए गए उसमें लोगों ने कहा कि मुझे हैरत होती है कि अभी तक नरेंद्र मोदी जी क्यों नहीं जबकि योगी जी तो हर महीने पहुंच जाते हैं अयोध्या लेकिन आज तक मोदी जी नहीं आए इंतजार कर रहे हैं हम लोग ये बीबीसी का एक सर्वे इसलिए मैंने आपसे कहा वाजपेयी जी नहीं पहले भी देश के प्रधानमंत्री अटल जी के बारे में भी लोग इस तरह कहते थे साहब लेकिन सवाल इस बात का है वाजपेयी जी सवाल इस बात का है कि ये वही भारतीय जनता पार्टी है जो राम के नाम से 2 से लेकर 282 तक पहुंची रामलला आएंगे मंदिर वही बनाएंगे का नारा देने वाली आज तारीख बताने वालों का भी मुंह बंद कर रही है और पूछने वालों का भी मुंह बंद कर रही है परिस्थितियां यहां तक बदल गई है आपकी मैनिफेस्टो में आपने शामिल किया लेकिन आज जवाब देने के लायक नहीं है छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं फौरन लौटेंगे इसी सवाल के साथ आगे बढ़ेंगे कि क्या वेदांती ने तारीख जो तय की है उसके हिसाब से ही मंदिर निर्माण तय होगा या फिर जो बीजेपी कह रही है कि हमें अदालत के फैसले का इंतजार करना होगा छोटा सा ब्रेक फौरन लौटते हैं। बाद आपका स्वागत है आप अखाड़ा देख रहे हैं राम मंदिर की तारीख तय हो चुकी है उसी पर हम चर्चा कर रहे हैं शहजाद अब्बास बड़ा सवाल यह है कि अगर राम मंदिर के लिए संत हो या सरकार हो अगर एक कदम आगे बढ़ाती है तो क्या आप सहयोग करेंगे? देखिए सहयोग की बात तो बाद समाजवादी पार्टी चाहती है कि राम मंदिर का निर्माण जल्द हो सहयोग की बात तो बाद में आती है पहले यही तय कर ले भारतीय जनता पार्टी वाले के वो मंदिर बनाने के पक्ष में है कि नहीं है ना वो तो कह रहे पक्ष में है वो तो अभी आप अभी आपने हीरो वाजपेयी जी को देखा कि वो खुल के वेदांती जी के ऊपर समर्थन नहीं कर पा रहे ठीक है समर्थन नहीं कर रहे हैं तो पहले तो उन्हीं का समर्थन लिया जाए तो आप ही कहते कि देखिए कोर्ट के अगेंस्ट जा रहे हैं भाई कोर्ट का फैसला जो भी आएगा उसको सब लोग स्वीकार करेंगे तो हम लोग पहले से कहते चले आ रहे हैं तो कोर्ट पे विश्वास हम लोग को है इनको है कि नहीं कानून की बात कह रहे हैं कि हीरो वाजपेयी वेदांती का समर्थन नहीं कर पा रहे क्या आप समर्थन करने को तैयार है वेदांती का ये तो बताइए नहीं देखिए कानून हमने आपसे पहले कह दिया कानून से ऊपर कोई नहीं है कानून से ऊपर कोई नहीं जब सर्वोच्च न्यायालय में फैसला है और जब सब पक्ष ये कह रहे हैं सब लोग ये कह रहे हैं पूरे देश के जो जनता है वो ये कह रही है कि हम फैसला जो है वो सुप्रीम कोर्ट का मान्य होगा तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के इंतजार कर लेने में क्या हर्ज है बात यहाँ चर्चा होना चाहिए हीरो वाजपेयी जी हर चीज से भाग रहे हैं उत्तर प्रदेश और बिहारियों को गुजरात के अंदर माना जा रहा है जो देश के प्रधानमंत्री जिनको माँ गंगा ने बुलाया और बनारस के अंदर सर्वोच्च पद पर पहुंचाया वहीं पे मैं आऊंगा सर्वोच्च न्यायालय के सर्वोच्च पद पे पहुंचाया उनको वो मौन है वो आप साथ में है या नहीं उंगलियां आपकी तरफ भी उठती है क्योंकि आप भी नहीं चाहते देखिए आप बताइए एजेंडे में किसके था एजेंडे में किसके था भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे में था ठीक है 4.5 साल में उसने कोई काम नहीं किया अब जब चुनाव करीब में आ रहे हैं तो ये एजेंडे में इन्हीं के शामिल था आप क्यों भाग रहे हैं 2 सीटों से आप कहां पे पहुंचे उत्तर प्रदेश के अंदर भी आप इसी के ऊपर आए हमारे मित्र उत्तर प्रदेश में आप इसी के परेशान है नहीं हम परेशान नहीं है परेशान आप लोग हैं देश में आपने कोई काम तो किया नहीं है घबराए आप है परेशान आप है हम लोग नहीं परेशान है हम लोग नहीं परेशान है विचलित आप है परेशान आप है देश के अंदर पेट्रोल कहाँ पे जा रहे हैं उससे परेशान है देश की मुद्रा स्थिति कितने नीचे जा रही है उसको देखिए परेशान आप है हम नहीं परेशान है
हमने जो वादे किए उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार में आदरणीय अखिलेश यादव जी ने उनको सब पूरा किया है। आप हमारे ही कामों को हीरो वाजपेयी जी, अखिलेश यादव ने कहा है कि सरकार बनेगी तो भगवान कृष्ण का मंदिर बनाएंगे, उन्होंने भी वो अपने मैनिफेस्टो में शामिल कर लेंगे, लेकिन सवाल ये कि जो आपने मैनिफेस्टो में शामिल किया उसके लिए क्या कोई एक कदम उठाया? साढ़े चार साल में आपने कोई एक कदम बताइए जो बीजेपी ने राम मंदिर के लिए कोई पहल की हो। बिल्कुल साहब, देखिए भारतीय जनता पार्टी लक्ष्मी जी कोर्ट में पक्षकार नहीं है। कोर्ट में जो लोग पक्षकार हैं और ये निर्णय आएगा, ये आपके चैनल पर पूरी जिम्मेदारी से कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता निर्णय आने के बाद राम मंदिर बनाने की कार सेवा में लगेगा। तो आपने अपने चुनावी एजेंडे में क्यों रख लिया था? जब आप जो है बना नहीं पाएंगे तो आपने झूठे वादे क्यों किए थे देश की जनता से? जो आपने वादा कर लिया, जब कोर्ट से फैसला आना है तो आपने एजेंडे में क्यों रखा? आपने आप गुमराह कर रहे हैं देश की जनता को। आप झूठे वादे करते हैं, इसके सिवा कुछ नहीं करते। आपने 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने की बात की, वो भी झूठा वादा। मंदिर का वादा, वो भी झूठा वादा। झूठे वादों पे आप देश चलाएंगे, देश चलाएंगे झूठे वादों पे। एक सेकंड जी, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी ये नहीं कह सकती कि वो धर्म के नाम पर, मंदिर के नाम पर, मजहब के नाम पर राजनीति नहीं करती। ना ही तो आप इस बात को कहने में सक्षम हो सकते हैं, ना ही भारतीय जनता पार्टी, ना ही बाकी के दल। अशोक सिन्हा जी, आप मुझे बताइए, जब कोर्ट का इंतजार सपा भी कर रही है, बसपा भी कर रही है, कांग्रेस भी कर रही है और उसी का इंतजार बीजेपी कर रही है, तो वेदांती सिर्फ बीजेपी को ही क्यों संजीदा बता रहे हैं? नहीं, सपा के जो प्रवक्ता है, मैं ये पूछूंगा कि ये किससे पूछ करके इन्होंने कहा विष्णु मंदिर बनाएंगे? क्या कोर्ट का इंतजार किया था इन्होंने? तो ये राम मंदिर भी कह सकते थे आप, ये राम मंदिर भी कह सकते थे, मगर विष्णु मंदिर की बात की इन्होंने। मैं इनका स्वागत करता हूँ, मैं इनको तहे दिल से इनका अभिनंदन करता हूँ कि इन्होंने ये बात कही, हम विष्णु मंदिर बनाएंगे, बनाएंगे बहुत भव्य रूप से बनाएंगे, बनाएंगे भव्य रूप से। इसी प्रकार से मैं कहता हूँ कि कोई भी राजनीतिक दल, कोई भी राजनीतिक दल, मैं कहता हूँ सबको सब मिल करके साथ में, भगवान राम केवल हिंदुओं के नहीं थे, मुसलमानों के भी हिंद थे। तो जब सबके, और रामचंद्र जी के बारे में एक बड़ा मशहूर है कि जब जब मर्यादा में रह के शांति मुंह चुप रखे, वो उनका काम नहीं हुआ, बिगड़ गया, राजतिलक होने वाला तो चले गए बन, मगर जब उन्होंने धनुष उठाया, वो चाहे समुद्र का मसला हो चाहे रावण के खिलाफ हो, तो विजय हासिल किया उन्होंने। यानी धर्म सम्मत रहते हुए, मर्यादा में रहते हुए, जब जब शक्ति का प्रदर्शन राम ने किया, उनका काम बहुत अच्छे से बना। एक चीज समझना चाहते हैं अशोक सिन्हा जी, क्योंकि आप तो चुनाव भी लड़वाते हैं भारतीय जनता पार्टी को, संघ के लोग निकलते हैं, प्रभात फेरिया निकालते, बीजेपी के समर्थन में कोई ढकी छुपी ऐसा कुछ बिल्कुल नहीं। हमारी शाखा लगती प्रभात। चलिए चलिए, अच्छा मैं एज ए विश्लेषक आपसे पूछ लेता हूँ कि ये जो इशू अभी रेज किया गया, आपको क्या लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को इससे कितना बड़ा फायदा हो सकता है और बाकी दलों को क्या नुकसान हो सकता है? एक विश्लेषक के तौर पे आपसे जानना चाहता हूं। मैं समझता हूं कि राम भव्य राम मंदिर का मंदिर बने, इससे सबको फायदा होने वाला है, सबको फायदा होने वाला है, मुसलमानों को भी फायदा होने वाला है, सभी राजनीतिक दलों को भी फायदा होने वाला है, उसमें भाजपा भी सम्मिलित है। यह सब फायदे के लिए बैठे हुए हैं, इंतजार कर रहे हैं, मगर आगे बढ़ करके इतने दिनों से, समझ लीजिए 500 वर्षों से संघर्ष, 67 बार उस पर हुआ, 900 से अधिक लोग मारे गए, मगर लाभ किसने लिया? जब काम हो गया तो सब कहने लगे हमने गिराया, शिवसेना भी कहने लगी हमने गिराया, और वहां जब जो मौके पर जीरो ग्राउंड पर जो जो लोग थे वो हम लोग जानते हैं अच्छी तरीके से कि कैसे काम वहां हुआ, और एक एक रोड़ी हट गई और एक कार्य हुआ, भव्य मंदिर बना, वहां पर नहीं बन पाया मगर एक मंदिर बना। तो ये जितने भी लाभ बैठ लेने वाले बैठे, ये राजनीतिक लोग हैं, ये सदैव ये सोचते हैं कोई आगे बढ़े, काम करे और हम अपना जो है काम बना लें। मगर एक बात बता दें, यह कार्य राम भक्तों से होगा, राम भक्त ही इसको मंदिर को बनाएंगे, राजनीतिज्ञों से आप बहुत उम्मीद नहीं कर सकते। राजनीति बहुत करेंगे, उसकी गति तेज कर देंगे, उसके रास्ते में जो कांटे बिछे हैं साफ कर देंगे, ये रास्ते को उधर तीर लगा देंगे, इधर से जाइए, कर सकते हैं। और आप कहिए जनता वोट लेने में आगे रहेंगे, इशारा इन्हीं की तरफ है, क्योंकि एजेंडे में इशारा तो आपकी तरफ है भाई साहब, आप भी विष्णु मंदिर बनाने वाले हो, हम आपके साथ भी हैं, हम तो वादा करते हैं, हमने तो आपसे कहा मेट्रो बनाएंगे, हमने मेट्रो बना के दिया, हमने कहा लैपटॉप देंगे, हमने दिया विष्णु मंदिर बनाइए ना, आप आगे आइए ना, विष्णु मंदिर से पहले राम मंदिर बनवा दीजिए, भव्य मंदिर देंगे, भव्य मंदिर।
हम वो वादे करते हैं जो हम पूरा कर पाए। भारतीय जनता पार्टी की तरह हम नहीं है, ठीक है, हम भारतीय जनता पार्टी की तरह नहीं है। शहजाद अब्बास, राम मंदिर से इतना परहेज है लेकिन हम कृष्ण मंदिर बनवा देंगे, यानी कि धर्म की राजनीति से तो आप भी पीछे नहीं हटेंगे क्योंकि उसके बिना गुजारा नहीं है। एक बड़ा महत्वपूर्ण बात कही इश्तियाक अहमद जी, अशोक सिन्हा जी ने, कि भगवान राम ने जब धनुष उठाया तो विजय हासिल की, जब शक्ति प्रदर्शन होगा तो विजय हासिल होगी। इशारा आप समझ रहे हैं कि किधर जा रहा है। वही मैं कहता हूँ ना कि संघ, बीजेपी, आरएसएस, जितने लोग हैं, शायद सबके सब रहे हैं शक्ति प्रदर्शन सबका अंदरूनी मामला एक है, ये कुछ भी बोलेंगे कुछ भी मंदिर बने, लेकिन इस देश का मुसलमान वो सर्वोच्च अदालत पर मुकम्मल भरोसा रखता है। वो गलत कभी नहीं बोला है, ना बोलेगा, ना कोई इशारा देगा। वो शांति चाहता है, अमन चाहता है, बिल्कुल चाहता है कि राम मंदिर का निर्माण हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। मगर जो राम मंदिर के नाम पर रोटियां सेक रहे हैं वो कभी नहीं चाहेंगे कि निर्माण हो, क्योंकि उनका एक बहुत बड़ा प्लान खत्म हो जाएगा, उनके पास कोई मुद्दा है नहीं। अमरनाथ मिश्रा जी, रोटी कौन सेक रहा है, कौन रोटी सेक रहा है इस पर? खुद अमरनाथ मिश्रा जी हमारे मित्र सेक रहे हैं, सेका है। आप पर आरोप लगा रहे हैं जो मंदिर मंदिर के विरोध में रहे। अरे तो हम तो सेकेंगे, हम तो राम भक्त है, हम तो राम रोटी खाते। हाँ, इधर तीन चार सालों से राम भक्त हुए हैं, राम रोटी खाते हैं। तो एक सेकंड, अरे रोटी तो आप ये भी सेक रहे हैं, ये जो मंदिर के विरोध में, ये क्या ही रोटी नहीं सेक रहे हैं? अरे ये तो कचौड़ियां तल रहे हैं बाबरी मस्जिद वाले। समाजवादी पार्टी, बसपा, कांग्रेस तो सब कचौड़ी खा रही है, हम लोग तो खाली रोटी खा रहे हैं, राम रोटी खा रहे हैं। अगर आप भारतीय जनता पार्टी में करते हो तो ज्यादा अच्छा होता। सिन्हा जी की बात से सहमत है, लेकिन अमरनाथ जी बनाएंगे, अमरनाथ जी मिलके बनाएंगे। जिस राम मंदिर के लिए आपने भारतीय जनता पार्टी के लिए इतनी मेहनत की, सड़कों पर निकले, वोट मांगे, 200 से 282 तक पहुंचाया, अगर उसी भारतीय जनता पार्टी ने राम मंदिर के लिए कोई कदम नहीं उठाया तो क्या आपका आक्रोश भारतीय जनता पार्टी के लिए नहीं है? खुलकर क्यों बोल नहीं पा रहे आप? मेरा एक अहम सवाल यह भी है, आप विरोध भी नहीं कर पा रहे खुल के क्या बोल रहे हैं भाई? भारतीय जनता पार्टी ने देखिए, अगर भारतीय जनता पार्टी ने वोट लिया और मंदिर के लिए कुछ नहीं किया तो वो भुगतेगी। एक बार उमा भारती ने अयोध्या में आके कहा था 2003 में कि राम लला हमारे एजेंडे में नहीं, 2004 के बाद 10 साल सरकार में नहीं रहे थे। अगर ये राम का फायदा उठा रहे हैं तो उनको जवाब दीजिए, भुगतना पड़ेगा 2019 में, इस बार नहीं चलेगा। लक्ष्मी जी बिल्कुल नहीं, देखिए राम उसके साथ हैं जो सही दिशा में चल रहा है, जो अपने राम राज्य का अर्थ है कि सब लोग सुखी हो, जिसके समय में विकास के कार्य हो रहे हैं, जनता सुखी है, देश सामान्य जी रहा है, जनता सुखी नहीं है हिंदुस्तान की, जनता सुखी नहीं है हिंदुस्तान की। और आपके ही केंद्रीय मंत्री ने बयान दिया था, कहा था राम मंदिर का मुद्दा हमारे एजेंडे में नहीं है, विकास है, और विकास के नाम पे तो आप हिंदुस्तान में आए थे 4.5 साल हुकूमत की। आप बताइए जनता बेहाल है कि खुशहाल है? आप बताइए खुशहाल है कि आपका ध्यान भगवान की तरफ नहीं जा रहा है? ध्यान भटका रहे, काम तो आपने किया नहीं है 4.5 साल, आपने कुछ काम नहीं किया है। आप इस बार आप 2019 में जनता को धोखा नहीं दे पाएंगे, आप धोखा नहीं दे पाएंगे, बेवकूफ नहीं बना पाएंगे। नहीं, निवेदन आप नहीं कीजिए, निवेदन जनता से कीजिए, प्रभु की सेवा करिए। हम लोग सेवा कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, आप धोखा दे रहे हैं। अच्छा हीरो वाजपेयी जी, ये भी एक सेवा है। हीरो वाजपेयी जी बताइए, अच्छा हीरो वाजपेयी जी, ये विघटन खत्म हो जाएगा। हीरो वाजपेयी, हीरो वाजपेयी जी एक आखिरी सवाल का जवाब दे दीजिए कि भूखे पेट जनता भजन कैसे करेगी, ये बता दीजिए। नहीं, कोई इस देश में भूखे पेट नहीं है साहब, महंगाई दर बहुत निकाल दिया भूखे जनता का, देश में जनता, आप बताइए ना, पूरा पूरा तेल निकाल दिया। जी प्लीज, समय बहुत कम है। हीरो वाजपेयी जी, अंतिम सवाल मेरा ये आपसे, राम एक सेकंड सर, अंतिम सवाल लीजिए, मंदिर कब बनेगा, 2019 से पहले या 2019 के मैनिफेस्टो में शामिल होने के बाद? सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद बीजेपी राम मंदिर का मुद्दा नहीं बनाएगी 2019 में? देखिए राम मंदिर हमारे लिए आस्था का राम नाम के मुद्दा नहीं है, आस्था के नाम को राजनीति का एजेंडा बना दिया आपने मैनिफेस्टो में शामिल करने के बाद, और आप कह रहे हैं कि आस्था है। बहुत शुक्रिया आपका वाजपेयी जी मेरे साथ शामिल होने के लिए, शहजाद जी आपका भी, इश्तियाक जी आपका भी, अमरनाथ जी, अशोक जी, मानस जी, आप सभी का बहुत शुक्रिया मेरे साथ शामिल होने के लिए। अखाड़ा में आज के लिए इतना ही, चुनाव नजदीक है, तारीखें तय होती रहेंगी, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि जब वहां निर्माण की एक ईंट रख जाएगी तभी यह तय होगा कि वाकई राम मंदिर निर्माण का कार्य शुरू हो गया।
तारीखें बहुत आएंगी बहुत जाएंगी, लेकिन असल तारीख कौन तय करेगा, ये एक बड़ा सवाल। अखाड़ा में आज के लिए इतना ही, नमस्कार।